नमस्कार, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और मेरा वीडियो को देखना और शेयर करना। आज मैं जंगल में जा रहा हूँ। ये हम लोग का लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये दाव है छोटा सा, और ये हम लोग का बैग है, लोकल बैग, इसको हम लोग खिचड़ी बोलता है। तो ये हम लोग का लोकल बैग है टोटली, देखो इतना मज़ा है। तो आज हम एक कुछ जंगल में जंगल का एक फ्रूट फल ढूंढने जा रहा है। उसका सीज़न शायद पार हो गया, फिर भी देखते हैं कुछ तो मिलेगा अभी भी खाने को। तो काफ़ी टेस्टी होते हैं वो, आपको दिखाऊंगा। मैं और मेरा एक भाई आया है दोम्बू साखरनचो, हम दोनों जा रहे हैं अभी। हमको दोम्बू भाई ने ले जा रहा है हमको। अभी हम काफ़ी दिन से यहाँ जंगल में नहीं है, इसलिए मेरा आज का गाइड है मेरा भाई, छोटा भाई दोम्बू साखरनचो। जगह ये है मेरा गाइड, ये मेरा गाइड। अप एंड डाउन हाँ जेदो माँ हो सर लगा अपने। ओए ओए, तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, अभी देखते हैं। ओए ओए, आई बा ये है वो गुटी, पर मुझे पका वाला नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। वो तो वाला था दूजो भी होटल। हम लोग नाला नाला में जा रहे हैं अभी। ये बाय है, काफी मजा है ये जगह। अच्छू यो मैन, मिल गया है हमें, ये काफी मजेदार है। हम लोग इसको हम लोग का भाषा से आका लैंग्वेज से इसको मिली बाबू बोलते हैं। तो आई थिंक हम लोग जहाँ आना चाहता था पहुँच गया है। ये हम लोग का है जो तो अभी इसका सीजन भी खत्म हो गया, पर कुछ कुछ अभी मिल रहा है, ये सब खाने को है। और ये आपका हम लोग का आका लैंग्वेज में इसको मिली बाबू बोलते हैं। ये जुलाई महीना में मिलता है और विंटर में और एक समय मिलता है, मतलब साल में दो बार फल मिलता है इसका, जनवरी या फरवरी को एक बार मिलता है और जुलाई महीना को। तो ये काफ़ी स्वादिष्ट है और ये पूरा प्योर ऑर्गेनिक वो है, मतलब वाइल्ड फ्रूट है, जंगल का ये फल है। तो इसका साइंटिफिक नेम आई थिंक अभी तक नहीं देखा, ये आप लोग देखो। इसका लाल कलर का भी होता है, ये सफ़ेद कलर होता है, और ये इसका पेड़ है। इसका ऐसा ऐसा जर में निकलता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये इसका जर में है, पूरा रूट में है, ये सब इसका रूट में है। और ये काफ़ी खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। ये सब देखिए इसका, ये सब है पूरा, काफ़ी सारा है यहाँ पे, ये सब काफ़ी सारा है। और इसे खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है। मैं भी काफ़ी सालों से नहीं खाया हूँ, 5-6 साल से। तो अभी इसको पानी में धुला के खाते हैं हम। और ये जो बैग है इसको हम लोग जंगल में यूज़ करते हैं यूजली, जब हम लोग कुछ भी सामान लेते हैं तो हम लोग यहाँ बैग का यहाँ पे डालते हैं। तो काफ़ी ये यूज़फुल है, ये हम लोग इसको खिचड़ी बोलते हैं, खिचड़ी, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, इसको लोकल से खिचड़ी बोलते हैं। और ये जो फ्रूट है इसको हम लोग अपना लैंग्वेज में मिली बाबू बोलता है, क्या बोलता है, मिली बाबू। और इंग्लिश में या कुछ भी साइंटिफिक नेम अभी तक मैंने नहीं देखा ये फल का, जो कि इसका पेड़ ये है, इतना बड़ा भी नहीं होता, ऐसे रूट रूट में ऐसा होता है। तो आई थिंक किसी को अगर इसका साइंटिफिक नेम मिलता है तो प्लीज़ मुझे शेयर कर दीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल में, और कमेंट कर दीजिएगा ये फ्रूट का नाम क्या है, ये फल का नाम क्या है। तो डेफिनेटली आप सबको भी मज़ा लगे ये देखिए, क्योंकि कुछ नए नए आप सबको मैं हमेशा दिखाते रहूँगा। इसके साथ साथ और एक फल है, वो दिख नहीं रहा है, उसे भी मैं दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा ढूंढ कर। तो मैं इसे अब खाता हूँ, इसे मैं खाकर दिखाता हूँ सुगर निभा। बहुत मीठा ये फल, A1 है, A1।
काफी मजा है। मेरा कैमरामैन भाई को भी खिलाना पड़ेगा। लो भाई लो। बच्चो दादा बहुत बढ़िया है। और इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ, दूसरा और एक फल है आई थिंक, उसको भी मैंने अभी तक नहीं देखा। वो हम लोग यहाँ पे मिलता है, बाकी जगह भी मिलता होगा, बट वो भी मैं ज़रूर दिखाऊंगा। आप सबको मेरा वीडियो देखना चाहिए। आप सबको मैं इसी तरह जो हम लोग का जंगल का जो भी वाइल्ड फ्रूट जो मिलता है, आपका फल मिलता है जंगल का फल, ये सबको मैं आप सबको बताऊँगा, दिखाऊँगा कौन कौन सा चीज़ खाता है। और कभी दिन आप लोग जंगल में आता है तो ये सब फल को खा कर आप इंजॉय कर सकता है। तो कोशिश करता हूँ नेक्स्ट दूसरा जो फल है उसे भी मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।